तो पार्ट 9 एंड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ज़ीफ़ी की तो उल्टी करते करते हालत खराब हो चुकी थी, तो वो शावशाह को शिहुआ से उसका पीछा छुड़ाने के लिए कहता है और किसी भी तरह से उसे बदलने के लिए कहता है, जिससे शिहुआ उसकी जान ना खाए। तो शावशाह उसे मॉडर्न ख्यालों का बनाने के लिए उसे शॉपिंग कराने ले जाती है, जहाँ उसके लिए बहुत ही महंगे महंगे ड्रेसेस भी सिलेक्ट कर लेती है। शिहुआ को शावशाह ये बोलकर लाई थी कि वो उसे ज़ीफ़ी को चेंज करने के तरीके सिखाएगी, तो इसीलिए वो उसे शॉपिंग कराने के बाद एक पब ले जाती है, जहाँ वो तो उसे लड़कों का अटेंशन पाना सिखा रही थी, काइंड ऑफ फ्लर्टिंग सिखा रही थी, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि वो शिहुआ को नहीं बदल सकती। इसलिए अगले दिन ऑफिस जाकर वो ज़ीफ़ी से माफी मांगती है एंड कहती कि वो शिहुआ को बदल नहीं पाएगी, क्योंकि उसे बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो जैसी भी है बहुत अच्छी है। ऑफिस में ची को अपसेट देखकर ज़ीफ़ी उसे कहता है कि वो इस साल उसे कंपनी रिट्रीट में ले जाएगा, जिसका नाम सुनते ची तो फुल ऑन जोश में आ जाता है और अपना काम करने चला जाता है। जिसके बाद हम मिलते हैं एक और फीमेल लीड से जिसका नाम है जीचिंग, जो जी ग्रुप ऑफ कंपनीज की इकलौती वारिस है और ज़ीफ़ी की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट। वही जीचिंग तो टाइकोंडो चैंपियन भी रह चुकी है, तो वो फेरान ग्रुप के नए स्पोक्स पर्सन यानी कि शिहुआ की इन्फॉर्मेशन मंगाती है। इधर ऑफिस में शिहुआ अपने साथ ज़ीफ़ी को हैंडस्टैंड करा रही होती है, तभी जीचिंग ऑफिस में एंट्री मारती है, जिसे देखकर शाशाओ भी शॉक्ड थी क्योंकि जीचिंग अब्रॉड से अचानक आ गई थी। तो वो आते ही सबसे पहले ज़ीफ़ी को ढूंढने लग जाती है और बिना किसी के बात सुने सीधे घुस जाती है ज़ीफ़ी के ऑफिस में, जहाँ ज़ीफ़ी को हैंडस्टैंड करता देख वो तो सरप्राइज थी, वही ज़ीफ़ी उसे देखकर शॉक्ड, क्योंकि ये जीचिंग एक नंबर की ट्रबल मेकर है। तो शिहुआ को उसके पास देकर वो उसे बात बात करने जाती है, जहाँ वो उससे कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रही थी, तो वो ज़ीफ़ी को अपने साथ लंच पे चलने के लिए कहती है। तो साथ में वो शिहुआ को भी इनवाइट करती है ताकि उसके साथ जान पहचान बढ़ा सके। ज़ीफ़ी मना करता है पर जीचिंग के फोर्स करने पर मान जाता है, तो तीनों निकल जाते हैं रेस्टोरेंट के लिए। तो इधर ऑफिस में ची और असिस्टेंट की गैंग शाओशाओ से जीचिंग के बारे में पूछने पहुंच जाते हैं, तो शाओशाओ बताती है कि जीचिंग बहुत जिद्दी और रूड है और वो तो बचपन से ही हाथ धोकर ज़ीफ़ी के पीछे पड़ी हुई है। ऊपर से जीचिंग ज़ो ग्रुप की सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है, तो उसकी फैमिली ज़ीफ़ी की फैमिली फ्रेंड्स है, इसीलिए दोनों का बचपन साथ में बीता है और शायद ज़ीफ़ी के साथ उसकी शादी भी होने वाली है, क्योंकि ग्रैंडपा जीचिंग को बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये सब सुनकर उन सभी को तो शिहुआ की फिक्र होने लगती है। इधर रेस्टोरेंट में तो जीचिंग ज़ीफ़ी को शादी के लिए पूछती है, जिस पर हमारा ज़ीफ़ी हमेशा की तरह उसे मना कर देता है, पर जीचिंग ने तो उनकी शादी से लेकर उनके बच्चों की प्लानिंग भी कर ली थी, जिस पर ज़ीफ़ी तो कह देता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, जिससे जीचिंग को कोई फर्क तो नहीं पड़ता क्योंकि ज़ीफ़ी उसे हमेशा से ही रिजेक्ट करता आया है। तो वो शिहुआ को भी खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है, पर शिहुआ तो उन डिशेस के प्राइस देकर ही घबरा जाती है, इसलिए वो तो बस सलाद ऑर्डर करती है, जिस पर ज़ीफ़ी उसे अपनी मर्जी का ऑर्डर करने के लिए कहता है क्योंकि आज की ट्रीट उसकी तरफ से होगी। पर हमारे शिहुआ को तो डर था कि कहीं वो उसकी सैलरी में से पैसे ना काट ले, इसलिए वो कह देती कि उसे कुछ भी नहीं खाना। तो अब जीचिंग उससे उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पे वो बताती है कि वो काइंड ऑफ ज़ीफ़ी की केयर टेकर है, जिसे ग्रैंडपा ने उसका ध्यान रखने के लिए कहा है। तो जीचिंग उससे और ज्यादा पूछने लग जाती है कि वो ग्रैंडपा को कैसे जानती है। तो शिहुआ उसे सब कुछ बताती है और ये भी कि ग्रैंडपा उसकी काफी केयर भी करते हैं। देन उसके मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछती है, तो वो उसके बचपन से शी कुंग फू सीखने के बारे में बताती है, जिस पे जीचिंग कहती है कि उसने भी बचपन से टाइकोंडो की ट्रेनिंग करी है। अब शिहुआ ग्रैंडपा के क्लोज है, ये बात जानकर जीचिंग उसके साथ एक फाइट का इन्विटेशन देती है और सच में उसे लड़ने के लिए पहुंच जाती है, जो वो चाहती तो नहीं थी, पर जीचिंग उसे फाइट करने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड थी। तो शिहुआ उसे पहले ही वार्न करती कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, इसलिए उन्हें फाइट नहीं करनी चाहिए। पर जीचिंग तो सीधे अटैक करने पहुंच जाती है, पर शिहुआ बस डिफेंस कर रही होती है। वहीं जीचिंग तो फुल पावर के साथ अटैक करी जा रही थी। जीचिंग को हर्ट ना करने के चक्कर में शिहुआ को एक दो बार लग जाती है, पर जीचिंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर शिहुआ अभी भी अपने आप पर कंट्रोल रखती है, उस पर अटैक नहीं करती और उससे अभी ये फाइट बंद करने के लिए कहती है। ये कहकर वो जाने लगी थी, पर जीचिंग तो पीछे से उस पर हमला करने आती है, जो देखकर ज़ीफ़ी उसे रोकने आ रहा होता है। इससे पहले शिहुआ पीछे मुड़कर उस पर पलटवार करती है, उसे उठाकर पटक देती है, जिस वजह से जीचिंग के पैर पर चोट आ जाती है। तो दोनों भागकर उसके पास आते हैं, तो शिहुआ उसे सॉरी वॉरी कहने लगती है। ज़ीफ़ी उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसके पैर पर बैंडेज लगते हैं। शिहुआ अभी भी उसे सॉरी ही किए जा रही थी, जिससे जीचिंग का तो ईगो हर्ट हो जाता है कि वो इस गांव की लड़की से कैसे हार गई, इसलिए वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है और ज़ीफ़ी को अपने पास रुकने के लिए कहती है, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है तब तक। पर ज़ीफ़ी कहता है कि उसे ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसलिए उसे जाना ही पड़ेगा, जिस पे जीचिंग तो अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। तो ज़ीफ़ी उससे शिहुआ की तरफ से माफी मांगने लग जाता है, जो सुनकर जीचिंग को तो और ज्यादा गुस्सा आता है शिहुआ पर, क्योंकि ज़ीफ़ी भी उसकी साइड ले रहा था। तो वो उसे कह देती है कि उसे शिहुआ के उसके करीब रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस पर ज़ीफ़ी दोबारा से ऑफिस जाने की बात करता है। तो इस बार जीचिंग उसे कह देती है कि अगर वो उसके पूरी तरह से ठीक होने तक उसके साथ नहीं रुका तो वो ग्रैंडपा को इस बारे में बता देगी, तो इस वजह से ज़ीफ़ी को रुकना ही पड़ता है। वहीं बाहर जीचिंग की सेक्रेटरी शिहुआ को धमकी देकर चली जाती है कि अगर मैडम को कुछ हुआ तब तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। तभी ज़ीफ़ी बाहर आता है शिहुआ को घर जाने के लिए कहता है, पर शिहुआ तो जीचिंग के लिए मेडिसिन बनाएगी कहती है। इस पर ज़ीफ़ी कहता है कि ये एक हॉस्पिटल है, इसलिए तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कहकर उसे जाने के लिए कह देता है। तो अगले दिन शिहुआ अपसेट होकर ऑफिस पहुंचती है, तो सारे लोग उससे इसका रीजन पूछने आ जाते हैं। तो उन्हें जीचिंग के साथ उसके फाइट की भी खबर मिली थी, उस बारे में भी पूछने लग जाते हैं। तभी भागते हुए शाओशाओ वहाँ पहुँचती है और जीचिंग के कंडीशन के बारे में पूछती है, पर ज़ीफ़ी अभी तक ऑफिस नहीं आया था, जिससे वो समझ जाती है
कि शायद कुछ तो बड़ा कांड हुआ होगा। तो बाकी सारे गॉसिप करने लग जाते हैं कि जी चिंग तो सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। अब उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो ब्लेम तो ज़ीफे पर ही आएगा, जिससे ज़ीफे के साथ साथ कंपनी को भी नुकसान हो सकता है। अब ये सारी बातें सुनकर शिवा को तो बहुत ज्यादा गिल्टी फील होने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से शायद ज़ीफे और ग्रैंडपा को भी परेशानी हो सकती है। शाओशाओ से फ्यूचर में जी चिंग से थोड़ा बचकर रहने के लिए कहती है, पर शिवा अब और कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती थी, न ही कोई ग्रैंडपा या फिर ज़ीफे का कोई नुकसान कराना चाहती थी, इसलिए वो अपनी गलती मानकर रिजाइन करने का डिसाइड करती है। वहीं इधर ज़ीफे तो जी चिंग से अपना खूब सेवा करा रही थी और उसे छोड़कर जाने का उसे कोई मौका ही नहीं देती। इधर ऑफिस में जी चिंग की असिस्टेंट पहुंच जाती है, जो सभी के सामने शिवा की बहुत ही इंसल्ट करने लग जाती है और उसे ऑफिस छोड़ने के लिए धमकी भी देने लगती है। इवन उसके साथ तो धक्का मुक्की भी करने लग जाती है। इस पर शिवा कोई रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि अभी उसका मूड ऑफ था, इसलिए अब वो कोई नया झमेला नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे अवॉइड करके जाने लगती है। पर वो असिस्टेंट भी जी चिंग की तरह ही रूड और थोड़ी झगड़ालू किस्म की लड़की थी। वो तो उसे धमकी देने लग जाती कि अगर उसने काम नहीं छोड़ा और ऑफिस से नहीं निकली तो वो उसका हाल खराब कर देगी। तो ये क्या कर वो उसे धक्का मुक्की कर उकसाने लग जाती है कि तभी ज़ीफे वहाँ पहुँच जाता है और उस असिस्टेंट को बहुत डांट लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी और ऊपर से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वाइस प्रेसिडेंट पर चिल्लाने की। क्या कर वो उसे शिवा से माफी मांगने के लिए कहता है, इसीलिए असिस्टेंट को ना चाहते हुए भी माफी मांगनी पड़ती है, पतली गली से निकलना पड़ता है। ज़ीफे शिवा से उसी की कही हुई बात कहता है कि जब तुम्हें कोई पुश करता है तो तुम्हें उसे डॉज करना चाहिए। क्या कर अपने केबिन चला जाता है। काफी रात हो चुकी थी, सारे अपने अपने घर के लिए निकल गए थे, पर ची आकर ज़ीफे को बताता है कि शिवा अभी तक घर नहीं गई है। तो ज़ीफे उसे बात करने जाता है पर उसके टेबल पर वो नहीं होती, पर उसे शिवा का लिखा हुआ रेजिग्नेशन लेटर मिल जाता है, जिसमें उसने लिखा था कि उसे जॉब पर रखने के लिए उसका और ग्रैंडपा का शुक्रिया, पर शायद वो उसकी कंपनी में काम करने के लायक नहीं है। उन्होंने उसका इतना ख्याल रखा, पर उसने क्या किया, उसकी गलती की वजह से ज़ीफे और कंपनी को नुकसान भी पहुंच सकता था, इसीलिए अब वो उनके लिए मुसीबत और नहीं बढ़ाएगी चली जाएगी। इसलिए वो उसके जाने के बाद ज़ीफे को अपना ख्याल रखने का लिखती है, उसे सही टाइम पर खाना खाने, रेगुलरली एक्सरसाइज करने और प्रॉपर रेस्ट करने के लिए कहती है। वहीं उस लेटर में शिवा ने उसके लिए कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर दिए थे, जो सब पढ़कर ज़ीफे शिवा को ढूंढने जाता है, जो कि टेरेस पर ट्रेडिशनल मेडिसिन बना रही थी। तो ज़ीफे आकर उससे उस बारे में पूछता है, जिस पर शिवा उसे बताती कि वो जी चिंग के लिए ये मेडिसिन बना रही है जिससे उनकी चोट जल्दी से ठीक हो जाएगी। जिस पर ज़ीफे कहता है कि तुम्हें उसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसकी बस छोटी मोटी चोट आई है। पर शिवा कहती कि गलती तो उसने की है, इसलिए उसके जाने से पहले वो सब कुछ ठीक करना चाहती है। तो वो ज़ीफे से भी माफी मांगने लग जाती है, शायद वो यहाँ काम करने के लायक नहीं है और कभी भी सोसाइटी से मिलजुल नहीं पाएगी। जिस पर ज़ीफे कहता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी मुझे दी है, इसलिए मैं आपसे तुम्हें यहाँ रहने के तौर तरीके सिखाऊंगा और इस सोसाइटी को अडेप्ट करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर शिवा कहती कि वो तो फेरान ग्रुप के लिए कोई काम नहीं कर सकती। जिस पर ज़ीफे उसे एक फाइल पकड़ाते हुए कहता है कि मैं कल एक विलेज के वाटर प्लांट की विजिट में जा रहा हूँ, तो शायद तुम्हारे विलेज में रहने के स्किल्स वहाँ पर काम आ सके। जो सुनकर शिवा तो बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछती कि मैं क्या सच में चल सकती हूँ। जिस पर ज़ीफे उसे कहता है कि तुम चाहो तो चल सकती हो, वरना रिजाइन भी कर सकती हो, जो तुम्हारा मन हो। इसलिए एक बात याद रखना, तुम्हें मेरे अलावा कोई भी कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकता। ये कहकर वो उसे कल रेडी रहने के लिए कहता है। जिस पर शिवा तो बहुत खुश हो जाती है। इवन रात को तो उसे सपने में ज़ीफे भी दिखाई देता है। वहीं इधर अगली सुबह जी चिंग अपने असिस्टेंट को बहुत डांट लगाती है, उससे बिना पूछे ज़ीफे के ऑफिस में हंगामा करने के लिए, और उसे कहती कि उसके पास अपने प्लान्स हैं, तो वो कुछ दिनों में फेरान में काम करने जाने वाली है ताकि वो ज़ीफे का दिल जीत सके। तो अब ये मैडम ऑफिस में आकर क्या कारनामे करती है वो तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। इसीलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि जब भी मैं एपिसोड अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।